तो आज से कोरोना के खिलाफ महाजंग की शुरुआत हो रही है। 18 प्लस के लोगों को भी अब टीका लगेगा। क्या कुछ कह रहे हैं राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री, सबसे पहले वो सुनवाते हैं आपको। वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पे हम करने जा रहे हैं। आज मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य ने 1,50,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है और हमारे इसमें ही एक जो आंकड़ा है 5,44,000, इतना आंकड़ा हमने एक दिन में वैक्सीनेशन का जो क्रॉस किया है, मुझे लगता है वो हमारे राज्य में ही, हमारे में ही वो एक अलग विक्रम हमने निर्माण किया है। देखिए, पूरा राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है कि कैसे ऑक्सीजन की रिफिलिंग की कैपेसिटी हम बढ़ाएं, हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएं। और विगत कुछ दिनों में हम सब लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप भी किया है। 15 मई तक हमको भारत सरकार ने 10 करोड़ भारत टीक से और 2 करोड़ सीरम से, ऑलरेडी उन लोगों ने ऑर्डर ये कर दिया, उसको रिजर्व कर दिया है। अब आप बताइए कि वो कंपनियां कहती हैं कि हम 15 मई तक तो आप भूल जाइए, 15 मई के बाद जो है मई के अंतिम सप्ताह में हम विचार करेंगे कि आपको कैसे करके पैसा लेके भी हमको जो है मई के अंतिम सप्ताह में देगा या नहीं देगा, ये उनके ऊपर निर्भर है। तो एक तरफ भारत सरकार ये कह रही है कि साहब आप जो है 18 से 45 साल के लिए क्रय करके वैक्सीन लीजिए। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का तो वैक्सीनेशन चल ही रहा है, अब कल से 18 से 44 साल के लोगों की उम्र के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होना है। इसका बड़ा बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है देश भर में। अभी तक वैक्सीन हमारे पास पहुंची नहीं है, हम लगातार कंपनी के टच में हैं, हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए संबंधित कंपनियों को ऑर्डर जारी किए थे, खरीदने के ऑर्डर हमने प्लेस किए थे, लेकिन दोनों कंपनियों से संपर्क करने के बाद यह पता चला है कि 1 तारीख को वो हमें वैक्सीन के डोजेज दे नहीं पाएंगी और इसलिए 1 मई से वैक्सीनेशन का यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। तो सुना आपने, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर टीके की कमी के कारण अभी फिलहाल 18 प्लस के लोगों को टीका नहीं लगेगा, उनको पहले ही सूचित कर दिया गया। तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा मेरे साथ होंगे, वाराणसी से आशुतोष मेरे साथ होंगे, शिवेन मेरे साथ लखनऊ से होंगे, गोपी अहमदाबाद से, रवीश मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भोपाल से, साथ ही साथ हम मुंबई भी चलेंगे पंकज उपाध्याय के पास। लेकिन सबसे पहले सुशांत, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है लाइन में नहीं लगी क्योंकि अभी फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं है, तो कब तक अवेलेबिलिटी होगी? देखिए, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा था कि दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन की कमी है, 2 दिन बाद जो है वैक्सीनेशन जो है वो दिल्ली में पहुंच सकता है और उसके बाद ही वैक्सीनेशन का जो थर्ड फेज जो है वो शुरू होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्पेंसरी में, आपको दिखाएंगे कि जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो लोग 45 से प्लस है वो अभी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, जिनका सेकंड डोज जो है वो होना है। हालांकि इक्का दुक्का जो यंगस्टर्स है जो 18 प्लस के वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस लिए आप आए थे, क्या वैक्सीनेशन के लिए, किस लिए? सर, मैं वैक्सीनेशन लगाने ही आया था। एक्चुअली मेरी एज 25 है, तो उन्होंने बोला कि 1 मई को वैक्सीन लगनी है, पर यहाँ पे पता चला है कि अभी शॉर्टेज है, तो वो 3 मई से लगना स्टार्ट होगी। एक्चुअली फिर मैं अपनी दादी को भी लाया था, मम्मा को भी लाया था, तो वो दोनों गए हैं लगवाने के। मेरी दादी 70 प्लस हैं, मेरे मम्मा हैं वो 45 प्लस हैं, तो उन दोनों के लिए लगवाएं। मैं रजिस्ट्रेशन करा चुका हूँ,
मैं आपको प्रूफ ही दिखा सकता हूँ, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है पर्ची, मैं फोन में दिखा देता हूँ। लोगों के पास रजिस्ट्रेशन है इस उम्मीद के साथ कि उनको 1 तारीख से वैक्सीनेशन जो है वो लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल वैक्सीनेशन दिल्ली में नहीं है। डिस्पेंसरीज और तमाम अस्पतालों की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीनेशन का डोज नहीं है, और अब जब वैक्सीनेशन का डोज आएगा तो आपको वैक्सीनेशन जो है वो लगाया जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री ने लोगों से, पंकज उपाध्याय जरा मुंबई का हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि कल तो मेयर को वहां पर पहुंच के कहना पड़ा था कि देखिए अभी फिलहाल कतारों में नहीं लगी है, सुपर स्प्रेड इससे हो सकता है, जब वैक्सीन आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। पंकज, गुड मॉर्निंग नवजोत। महाराष्ट्र को 3 लाख डोजेस मिली है फिलहाल तो, और मुंबई के खाते में 20,000 आई है। इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के सामने मौजूद हूं, और यहां पर आज मैं जितना मुंबई पुलिस का प्रोटेक्शन देख रहा हूं, उनका प्रेजेंस देख रहा हूं, पहले मैंने कभी नहीं देखा। नवजोत, 3 लेयर का तो यहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पहला ये है, एक दूसरा गेट पे है, और तीसरा सामने आप देख सकते हैं। ये इतना मैसिव पुलिस प्रेजेंस यहां पर इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह सवेरे से लोग आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद आज उनको भी वैक्सीन लग जाएगी, लेकिन पहले ही पीएमसी ने कह दिया है वैक्सीन बहुत कम है, सिर्फ 5 सेंटर्स हैं मुंबई में आज जहां पर वैक्सीनेशन चलाया जाएगा। दिन के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी जाएगी, और सिर्फ वो लोग जिन्होंने रजिस्टर किया है और जिनको स्लॉट्स मिले हैं सिर्फ उन्हीं को वैक्सीन मिलेगी। लेकिन बावजूद इसके कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे से यहां पर पहुंच रहे हैं, और कई लोगों का कहना है कि हमने रजिस्टर कर लिया है और हमें स्लॉट्स नहीं मिला है, तो शायद हमें फिर भी मिल जाए। कई लोग अभी भी वॉक इन करना चाह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि बीएमसी ने जो जानकारी दी थी उन्हें मिली नहीं, अब प्रशासन को लगता है शायद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो जाए, इसलिए मुंबई पुलिस का यहां पर भारी जमावड़ा है। लेकिन एक्शन दिन के 1 बजे से शुरू होगा, जब प्रति सेंटर यानी 5 सेंटर है और हर सेंटर में 200 करीब बेनिफिशियरीज होंगे। जी बिल्कुल, यानी 20,000 के करीब वैक्सीन मुंबई को मिली है, पंकज जानकारी दे रहे थे। तो सीधी सी बात एक समझ लीजिए कि वॉक इन वालों को वैक्सीन नहीं लगेगी, रजिस्ट्रेशन किया है तो सबसे पहले आपको इंतजार करना होगा कि क्या आपका नंबर आया है या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश से 2 सहयोगी मेरे साथ हैं, आशुतोष और शिवेन। शिवेन, पहले आपके पास आना चाहूंगी, हाल वहां पर क्या है, आज से 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगना है? देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन बकायदा मौजूद शुरू कर दिया गया था, और 18 प्लस से जो 44 साल तक के हैं उनके लिए बकायदा सभी जिलों में अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, क्योंकि पहले जो 45 से ऊपर वाले हैं उनके काउंटर बने हुए थे, लेकिन एडिशनल काउंटर बनाए गए हैं। आज जो है 7 जिलों में ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, लेकिन 7 जिले वो हैं जहां 9,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, और इसी वजह से वहां पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। इस वक्त हम लखनऊ में लोहिया संस्थान का जो अटल बिहारी वाजपेयी जो सेंटर है वहां पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये 18 से 44 की उम्र के हैं, बाकायदा इस काउंटर पे पहले इनको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने ऑनलाइन कराया है, लेकिन यहाँ पर भी आकर के एक कार्ड पे रजिस्ट्रेशन भरना है, क्योंकि आज पहली बार उनका वैक्सीनेशन है, तो एक कार्ड जो इशू होता है उस कार्ड को फिल करना है, और यहाँ पर जाने के बाद अपनी बारी का इंतजार करेंगे, और जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर सेफ्टी की बात हो वो सारा पूरा करने के बाद यहाँ पर हो रहा है। और इस एक काउंटर पर यहाँ पर 300 लोगों को आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसी तरीके से लखनऊ शहर में 10 जगह पर ऐसे काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, यानी 3,000, और इसी तरीके से 7 जिलों में जो है करीब 30,000 के आसपास आज वैक्सीनेशन होगा, लेकिन फुल फ्लेज्ड जो वैक्सीनेशन होना है वो धीरे धीरे ही शुरू हो पाएगा वैक्सीन की वजह से, और वजह यह है कि पहले से ही 45 और ऊपर वाले उम्र के लोगों का हो रहा है, तो कुल मिलाकर के जो नई ड्राइव शुरू हुई, नया फेज शुरू हुआ है वैक्सीनेशन का, वो पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था के बीच चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए बेहद गंभीरता और बहुत मुस्तैदी से हर एक चीज का पालन करने की कोशिश हो रही है। शिवेन, मैं आती हूँ, जरा एक तस्वीर आशुतोष आप भी दिखाइए, वहां पर तैयारी कैसी है? नवजोत, उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए जाहिर है जब तक जो मैन्युफैक्चरर हैं बड़ी संख्या में इतनी वैक्सीन नहीं पहुंचाते तो ये किल्लत होगी। फिलहाल बनारस में मैं हूं, प्रधानमंत्री के इस संसदीय क्षेत्र में 17 सेंटर बनाए गए हैं, 10 बजे शुरू होना था, जो 45 के ऊपर वाले हैं वो जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है, उसकी शुरुआत है। लेकिन आज महत्वपूर्ण ये है कि आज चूंकि 18 साल के ऊपर वालों का वैक्सीनेशन शुरू होना है, आपको वैक्सीनेशन केंद्र की तस्वीरें दिखाते हैं, उनकी जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो 12 बजे के बाद शुरू की जाएगी, जो समय तय किया गया, और सभी 17 केंद्रों पर। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि वो प्रक्रिया क्या होगी, जो लोग यहाँ सीधे आएंगे 18 के ऊपर उन्हें सीधा टीका लगाया जाएगा या एक तय नियम बनाएंगे?
नहीं, उसका नियम बना हुआ है, इन लोगों के लिए पहले से ही इंस्ट्रक्शन है कि जो 18 से 44 साल के लोग होंगे वो पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा के आएगा उसका वैक्सीनेशन। आज जो 18 साल के ऊपर वालों को टीका लगना है उनके लिए क्या नियम? मतलब आज से व्यवस्थाएं हो रही हैं, और मतलब आज से शुरू हो गया है 18 से 44 साल के लोगों के लिए, और आज से पहला दिन है। और टीका तो देखिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसका कोरोना का इफेक्ट आ रहा है तो जो टीका लगाया हुआ है, दोनों डोज लिया हुआ है, वो सीवीआरटी की तरफ नहीं जा रहा है। कितने लोगों को आज टीका मिल सकेगा जो 18 के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा के आ जाएंगे? 200 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था इस एक केंद्र पर है। बिल्कुल, तैयारियां देखिए अभी शुरू हो चुके हैं, चूंकि 45 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनका कार्यक्रम चल रहा है नवजोत, और 12 बजे 18 साल के जो लोग हैं वो आएंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि पहले ही सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि वॉक इन वालों को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसमें भी आपका नंबर आना चाहिए। रवीश, शिवराज सिंह चौहान तो कह चुके हैं कि फिलहाल हम ये ड्राइव शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल नवजोत, करीब 45 लाख वैक्सीन का डोज मध्य प्रदेश पहले ही दे चुकी है दोनों कंपनियों को, और आपको बताएं कि देश में पहली राज्य सरकार है जिसने ये ऑर्डर दिए थे, क्योंकि 1 मई से 18 साल या उससे ऊपर के उम्र के लोगों को ये टीका लगना था। लेकिन अब स्थिति यह है कि 45 लाख डोज के जो ऑर्डर दिए थे उसमें से अभी तक वैक्सीन सरकार को प्राप्त नहीं हुई, और इसीलिए टीकाकरण का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में टाला गया। आंकड़ों पर जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 18 साल से लेकर 44 साल तक की उम्र की आबादी करीब करीब 3.5 करोड़ है, 3.44 करोड़ के आसपास है, और इसलिए सरकार का मानना है कि कम से कम 1 करोड़ डोज इस मई के महीने में सरकार को मिल जाने चाहिए ताकि एक बड़ी आबादी को 18 से 44 के बीच को टीकाकरण हो सके। लेकिन फिलहाल इसके कोई आसार दिख नहीं रहे हैं। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि यदि 1-2 दिन बाद डोज आते हैं तो 3 या 4 मई से टीकाकरण शुरू किया जा सके। डिपेंड करता है कि डोज कब तक पहुंचती है। गोपी, हाल वहां का क्या है? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि 3 लाख वैक्सीन जो है वो कल अहमदाबाद पहुंच चुकी है, और उसके बाद गुजरात के करीब 10 जिले जो कि सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित है वहां पे ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वैक्सीनेशन ड्राइव आज सुबह से ही यहां पे शुरू हो चुका है। अहमदाबाद में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन लोगों के पास मैसेज आए हैं उन्हीं को यहां पे वैक्सीन दिया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लोग आएंगे, जो 18 से लेके 44 साल के लोग हैं, उनके लिए जो वक्त रखा गया है सुबह 9 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक का ये वक्त रखा गया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से बात करते कि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वैसे में वैक्सीनेशन आपने करवाया है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? वैक्सीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सबको कराना चाहिए। एटलीस्ट ये आपको कोरोना जल्दी से इफेक्ट नहीं करेगा, उसे ये रहेगा तो एक सपोर्ट रहेगा आपको। दिल्ली में कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई अपनों को बचाने के लिए तड़प रहा है, कोई व्यवस्था की मार से करा रहा है। सरकार की ओर से दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं लेकिन जमीन पर इसका असर दिख नहीं रहा। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा कोरोना संकट खत्म कब होगा? दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। जनता के कई लोगों के मन की बात कही है। क्या कोरोना महामारी से दिल्ली के बिगड़ते हालात ने सरकार के हाथ पांव खड़े कर दिए हैं? क्या कोरोना से लड़ाई की सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं? क्या अब हाल ऐसे हो चुके हैं कि कोरोना से जंग जीतने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ गई है? इस बात की चर्चा शुरू हुई खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल के उस बयान से जिसमें उन्होंने राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। ये राजधानी में हर दिन बदतर होते हालात को लेकर आप विधायक का गुस्सा है या दिल्ली की अव्यवस्थाओं का असंतोष? लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि आपके विधायक ने जनता के मन की बात कह डाली। मुझे लगता है कि एक हताशा का भाव तो दिल्ली के हर नागरिक के मन में आ चुका है, और ये कहानी दिल्ली की भी है और अन्य कई राज्यों की भी है
तो शोएब इकबाल जी ने जो बात कही है वो मुझे लगता है कई बार कई जनता के कई लोगों के मन की बात कही है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होते हुए मैं ये बात कहूंगी और खासतौर के पे दूसरी पार्टी से होने के कारण तो लोग ये कहेंगे कि शायद मैं दूसरी पार्टी से हूँ और ये पावर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये पावर की नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। ये स्पष्ट है कि अपनी जिम्मेवारी पूरी तरीके से निभाने में दिल्ली सरकार फेल हो चुकी। दरअसल राजधानी में कोरोना महामारी के चलते बिगड़े हालात काबू में नहीं आ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े चिंता बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है और अपने परिजनों को लेकर लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। यहाँ पे हमें बेड नहीं मिल रहा, हम काफी देर से खड़े पेशेंट लेके, इससे पहले भी हम गए वहाँ भी नहीं मिला। कोरोना नेगेटिव है लेकिन क्या कहते हैं ऑक्सीजन लेवल कम है। अब ये हमें बेड नहीं देंगे, कोई नहीं देगा तो पेशेंट कहाँ जाएगा। मदद के तमाम ऐलान और दावों के बावजूद दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कोरोना ने ऐसी हालत बना दी है कि अब सांसों को बस इन्हीं सिलेंडरों का आसरा रह गया है। ये दिल्ली का एक रीफिलिंग सेंटर है जहां की तस्वीरें आपको खुद ब खुद बयान कर देंगी कि हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं। जहां एक तरफ कई लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं ताकि उनका ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल हो सके, वहीं पर वो लोग जो ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट में काम करते हैं जिंदगी उनके लिए भी काफी मुश्किल हो गई है। कई लोग दिन में 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होने की कीमत क्या है। कोरोना ने दिल्ली को बेदम कर दिया है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं बचे, बिस्तर हैं तो ऑक्सीजन नहीं, घरों में रहकर कोरोना के इलाज की मजबूरी है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर है। इस रिफिल सेंटर के बाहर खड़ी ये भीड़ उसी संकट का नतीजा है। ऐसा मौका ही नहीं आया है जी, पहले रोग भी नहीं था, जो रोग के कारण ज्यादा गैस लग रही है, रोग भी नहीं था पहले। पहले अपने वो दूसरे काम में यूज होती, वैसे मेडिकल में जाती, वैसे लगती मरीजों के लाने, इतनी भाल तो नहीं थी बस। ऐसी स्थिति के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को फिर से अस्पतालों में तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोरोना से चिंताजनक हाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नेशनल स्तर पर प्लान मांगा है कि सरकार कोरोना से रोकथाम को लेकर क्या कर रही है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में जो भी लोग सोशल मीडिया पर अपनी परेशानी जता रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सारी कोशिश और कवायद बस इसी बात की है कि जल्द से जल्द दिल्ली और कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में हालात किसी तरह काबू में आए और लोगों की जिंदगी पर आया ये संकट खत्म हो सके। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको राजस्थान के उदयपुर के एक अस्पताल क्या हाल भी दिखा देते हैं। मरीजों की भरमार लगी है और दिमागदार कई मुश्किलों का सामना कर वहां पर पहुंच रहे। तनुश्री पांडे की रिपोर्ट देखिए। उदयपुर के इस अस्पताल में आपको पूरे हिंदुस्तान का दर्द दिख जाएगा, दिख जाएगी जिंदगी की सबसे मुश्किल जद्दोजहद, दिख जाएगी बेचारगी और बेबसी। ये महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल है जहां कोरोना के मरीजों की भरमार है तो बाहर जमीन पर सोकर वक्त बिताते रिश्तेदार हैं जिनकी सांसें हर वक्त किसी अंदेशे से अटकी रहती है। आप लोग के अंदर पेशेंट अंदर है कोविड की वजह से? हाँ अंदर वो। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं रोज? नहीं आते जाते हैं। हाँ। तो रात को निकाल देते बाहर चले जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे पाउंडे चले जाते हैं। रात को निकाल देते बाहर बैठ जाते हैं? रात को बारह बजे फिर बाहर बैठ गए जाके, फिर बगीचे में सोई दोनों लड़की लड़की में दोनों बगीचे में सोई, फिर डर लगा, फिर मेरे साथ डर लग रही, फिर रोड पे नहीं अपने मेन गेट के रोड पे सोई भी दोनों दिन। और आपके पेशेंट कौन है अंदर? मेरा भाई है चदा सिंह, भतीजी है। भतीजी आपकी? तो आप लोग यहीं रहते हैं पूरा दिन? नहीं अभी आई हूँ, चाय लेके आई, अभी चाय लेके आई हूँ मैं, तो अभी जा रही हूँ मैं तो। उदयपुर के तमाम दूसरे अस्पतालों की तरह ये अस्पताल भी मरीजों से ठसाठस भर चुका है। आईसीयू भरा है, सामान्य और ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं हमारे पास, आईसीयू फैसिलिटी है जिसमें 40 से 45 बेड आईसीयू फैसिलिटी के हैं और
सारे ऑक्सीजन बेड हैं और टोटल आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पास 750 से अधिक ऑक्सीजन एवं आईसीयू की फैसिलिटी है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट भरे हुए हैं। करंटली हमारे पास 263 बेड्स अवेलेबल हैं और 38 बेड हमारे वेंटिलेटर आईसीयू वाले हैं, वो सभी फुल हैं। 38 के 38 फुल हैं और ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड बेड लगभग सारे ही फुल हैं, एक भी वैकेंट नहीं है। बट कुछ जो बेड खाली हैं वो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं जनरल ट्रीटमेंट के लिए। इस अस्पताल में अब और मरीज भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन लोग क्या करें? कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, मरीजों की तादाद रुक नहीं रही और इस बार तो संक्रमण इतना तेज और खतरनाक है कि मरीजों को अस्पतालों की नौबत आ जाती है। इन मुश्किल हालात में इन डॉक्टरों के जज्बे को सलाम है जो अपनी मुसीबत को छोड़ मरीजों की तीमारदारी में लगे। यही है कि हम लोग मम्मी को भी ध्यान देना है मुझे और यहाँ के पूरे पेशेंट्स को भी ध्यान देना है। उनको ध्यान में रखते हुए मम्मी को मैंने यहाँ बुलाया और मम्मी की भी मैं सेवा करती हूँ और पेशेंट्स की भी करती हूँ और दोनों कामों को बैलेंस करना है हमें पता है और बैलेंस करके ही चलना है। इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी साथ में हैं, हमें नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपनी छुट्टियाँ कैंसिल करके सब लोग आके ये अपना काम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए जो भी सेवा हम कर सकते हैं। ऐसे ही हौसलों के भरोसे संक्रमण की सुनामी से पूरा देश मुकाबला कर रहा है, लेकिन सवाल है कि अगर मरीजों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता है तो आखिर कब तक इस जंग में हिम्मत बनी रहेगी? सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ साथ बेड्स की अनअवेलेबिलिटी तो है ही, पर डॉक्टर्स महसूस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत भी, जिस तरीके से हम बाकी शहरों में देख रहे हैं, बाकी स्टेट्स में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत भी बहुत जल्दी महसूस होने वाली है। उदयपुर से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।